बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, इसमें सेना और पुलिस का पूरा कॉपरेशन था, और ये ऑपरेशन कम समय में बिना किसी कैजुअल्टी के, बिना कोई सिविलियन डैमेज के किया गया, इसलिए पुलिस इसको बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन कह रही है। अभी इसको हम कंफर्म करेंगे, अभी तक इनको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन इनके कंफर्म हो रहे हैं, पर हाँ 6 टेररिस्ट हैं और अभी तक की खबर है कि एचएम के। आप अपना क्वेश्चन दोहराएंगे? उसको जनाब, उसको वो अभी कंफर्म नहीं है, पुलिस उसकी शिनाख्त कर रही है कि उसके फैक्ट्स क्या हैं, सचमुच वो है कि फोटोशॉप किया गया है, और उसके हिसाब से तब हम देखेंगे। खैर, जहां भी हो, जिस जो हथियार उठाएगा, जो टेररिस्ट है, उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। मैं कश्मीर की जनता और खासकर नदन कश्मीर की जनता का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी मदद कर कर यहाँ पर शांति रखी है, और जो टेररिज्म है वो साउथ कश्मीर में नॉर्थ कश्मीर के बनिस्बत ज़्यादा है। पिछले 19 महीने में सर बहुत क्या क्या फिर देखिए, सिविलियंस को इस लड़ाई में लाना सिर्फ एक कमजोर उन लोगों का काम है जो कि वायलेंस को, लोगों को टेरराइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 19 महीने में 200 से ज्यादा मिलिटेंट मारे गए, जी हाँ। तो कितनी उपलब्धि है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए? देखिए, ये 1200 12 महीने में 200 करीब टेररिस्ट मारे गए हैं, 12 महीने से कम, बल्कि 11 महीने में। ये एक आंकड़ा है, एक नंबर है। सबसे जरूरी है हमको कश्मीर में शांति बहाल करनी है, और इस शांति बहाल करने के लिए हमको यहाँ के यूथ का, यहाँ की पब्लिक का कोऑपरेशन है, और हम उसी को ढूंढते रहेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर भारत के बाकी सब प्रांतों की तरह शांत हो और देश की उन्नति में कंधे से कंधा मिलाए। देखिए, टेररिस्ट डराने के लिए, सिविलियंस को डराने के लिए, पब्लिक को डराने के लिए ऐसे तौर तरीके अपनाते रहेंगे, पर हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। सर पिछले 2 हफ्ते में सर 2 OGWs, वोमेन OGWs को सर अरेस्ट किया गया सर, ये एक सिक्योरिटी फोर्स के ओजीडब्ल्यू जो हैं, वोमेन वो OGWs हर वुमेन ओजीडब्ल्यू भी पहले भी इस्तेमाल हुए हैं, इस बार हमने पकड़े हैं, पर हमारा तो ये निवेदन होगा कि विमेन को।